हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी में। दोस्तों, आज है 11 जून 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। कौन बना है? तो विराट कोहली बने हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। यानी भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। और अगर बात करें कि किस स्पोर्ट्स खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक फुटबॉलर है, उनके 451 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप इन्हें भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हैं। और विराट कोहली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स हैं। आप इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है मिताली राज ने, ठीक है। यानी जोधपुर राजस्थान की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान 39 वर्षीय मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार महिला क्रिकेटर रही हैं। इनके नाम, ये पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जिनके नाम 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 जून को। कब मनाया गया है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। यानी कि विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम थी पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई, ये इस साल की थीम थी। और पहली बार विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार विश्व महासागर दिवस 1992 में मनाया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नलाया थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नलाया थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। अगर मैं आपसे पूछूं तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के स्टालिन है। उसी तरीके से तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो एन रवि हैं। आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सेंझोंग 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये भेजा है चीन ने, ठीक है। यानी कि चीन ने सेंझोंग 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है। और चीन मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि देश के अस्थाई परिक्रमा इस अंतरिक्ष स्टेशन पर काम पूरा करने के लिए 6 महीने के मिशन पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। सेंझोंग 14 चालक दल 6 महीने के लिए तियांगोंग, कहाँ पे? तो तियांगोंग स्टेशन पर रहेगा। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि नियुक्ति से रिलेटेड है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश पाई, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो सतीश पाई है जो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है उड़ीसा में, ठीक है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो शीतल जो षष्ठी पक्ष है, यह पवित्र हिंदू त्यौहार है जो कि उड़ीसा में मनाया जा रहा है। और यह त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार शीतल षष्ठी ज्येष्ठ महीने के 6ठे दिन शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। क्या लॉन्च किया है? तो क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रही हैं? तो ये रही हैं एलिसा हिली। कहाँ, क्या नाम है इनका? तो एलिसा हिली ने है जो कि ICC महिला ODI रैंकिंग में शीर्ष पर रही हैं, जो अभी हाल ही में जारी हुआ है। और ये जो एलिसा हिली है वो कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। आप इसे भी
याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नहाई ने 5 दिनों में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम दर्ज किया है, तो ये किया है 75 किलोमीटर सड़क बनाकर। यानी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि नहाई ने 105 घंटे और 33 मिनट में NH-53 कहाँ पे, तो NH-53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नया कैंपेन हर टाइम EMI ऑन टाइम लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आज बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने। किसने लॉन्च किया है, तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने हर टाइम EMI ऑन टाइम लॉन्च किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुरुदत्त साई ने संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। यानी कि गुरुदत्त सिंह जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है वो किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है, तो ये लगाया है मानेसर में। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने मानेसर कहाँ है, तो हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है। इस परियोजना से संगठन को प्रतिवर्ष 28,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने का अनुमान है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवा पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी है रिलायंस जियो। यानी कि जो रिलायंस जियो है यह लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवा पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है गोवा के। यानी गोवा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। और गोवा के राज्यपाल कौन है, तो गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्ले। नाम क्या है इनका, तो PS श्रीधरन पिल्ले इनका नाम है। गोवा में वन जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, तो भगवान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह भी गोवा में है, ठीक है। उसी तरीके से कोटीगांव वन्य जीव अभयारण्य है। उसी तरीके से बोंडाला वन्य जीव अभयारण्य गोवा में ही अवस्थित है, ठीक है। गोवा का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो गोवा आम महोत्सव गोवा का प्रमुख त्यौहार है, आप इसे भी याद रखेंगे। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयरन मैन ट्रायथनॉल कौन सा, तो आयरन मैन ट्रायथनॉल को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन से अधिकारी, तो पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं, तो ये बने हैं श्रेयस होसूर। इनका नाम क्या है, तो श्रेयस होसूर है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसको करंट अफेयर को पढ़ते रहिए, सारे जितना भी आपको कराया जा रहा है इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।